गुजिया से, या आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट बिकॉज इट्स इट्स कॉमन टू ऑल. लेकिन हम करी का तब्बू की बात करें, जैसे कि अगर उससे अगर हम फिलिंग निकाल लें, जिसकी भी वो कोकोनट और शुगर की जो फिलिंग होती है अगर वो निकाल लें, इट्स नथिंग लेफ्ट इनसाइड इट. इसी तरह से सिमिलरली अगर हम इसको बहुत अपनी लैंग्वेज में समझें, जैसे कि हम गुजिया खाते हैं, अगर उससे हम अगर जो भी उसकी फिलिंग होती है अगर हम उसको निकाल लें तो इट्स ऑफ नो यूज़. सिमिलरली अगर होसा अली को मैसूर से निकाल दिया जाए तो मैसूर विल बिकम एम्प्टी. तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि एज दिस फिलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर करी का तब्बू, सिमिलरली होसा अली प्लेज द सिमिलर रोल इन मैसूर. लेट्स रीड दिस लाइन वंस अगेन. देन होसा अली इज टू मैसूर स्टेट वॉट द फिलिंग इज टू द करी का तब्बू. सो जो इम्पोर्टेंस फिलिंग की होती है, कि जो स्टफिंग होती है किसमें, करी का तब्बू में, वही सेम इम्पोर्टेंस, यानी कि होसा अली क्या है, एक तरह की फिलिंग है, और मैसूर क्या है, वो एक करी का तब्बू है. ठीक है, आई सपोज यू ऑल हैव मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. लेट्स टेक दिस लाइन वंस अगेन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ही सेज इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू द भारत वर्ष, वॉट द स्वीट करी का तब्बू इज टू द फेस्टिव मील, देन होसा अली इज टू मैसूर स्टेट वॉट द फीलिंग इज टू द करी का तब्बू. वॉट आई हैव सेड इज एब्सोल्यूटली ट्रू, बिलीव मी. तो अब वो अपने ही स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए बोल रहा है कि यू हैव टू बिलीव मी दैट वॉट एवर आई एम सेइंग इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू यू टू योर क्वेश्चनिंग. आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन. वो बोलता है कि यू मे क्वेश्चन इट, है ना, आपको अपना स्टेट पे आ रहा होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि वो ही सेम इम्पोर्टेंस, मतलब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट देयर प्लेसेस और सम अदर प्लेस, है ना. जैसे कि कश्मीर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द हेवन ऑन अर्थ. तो अब जो लोग स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं वो भी ये बोल सकते हैं कि नहीं, स्विट्जरलैंड इज़ अ प्लेस विच इज़ हेवन टू द अर्थ. तो इस तरह से पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन. तो वो यही बोल रहा है कि इफ़ यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन यू कैन क्वेश्चन माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन से हटने वाला नहीं हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वी से दैट कश्मीर इज़ द हेवन टू द अर्थ. ठीक है, अब कोई अगर स्विट्जरलैंड का है तो वो बोलेगा नहीं, स्विट्जरलैंड इज़ द हेवन टू द अर्थ. तो अब वो अपनी जगह सही है, लेकिन हम अपने प्लेस से नहीं हटेंगे, वी विल स्टिक टू आवर ओपिनियन. नहीं, हमारे लिए तो वही हेवन ऑन अर्थ है. तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि यू मे बी ओपिनियटिव, तुम्हारी आपकी खुद की ओपिनियन हो सकती है, बट आई विल नॉट लीव माई ओपिनियन, आई विल स्टिक टू वॉट आई थिंक. आगे बढ़ते हैं. आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसा अली. तो अब वो बोलता है कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ, कि सिर्फ मैं ही पूरे टाउन में ऐसा हूँ जो होसा अली की तारीफ करता हूँ. वी हैव अ डॉक्टर इन आर प्लेस. हमारे यहाँ एक डॉक्टर भी हैं उसके होसा अली टाउन में. हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा. तो उनका नाम क्या था, गुंडा भट्टा. ही एग्रीज़ विद मी. और वो भी मेरी स्टेटमेंट से इस बात से अग्री करते हैं. किस बात से अग्री करते हैंगे, कि दिस होसा अली इज़ लाइक अ फीलिंग इन करी का तब्बू. तो मतलब वो ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस. और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ होसा अली में ही रहे और वो होसा अली की तारीफ कर रहे हैं, बट वो बहुत सारी और भी जगहें घूम के आए हैं. एंड देन ऑल्सो ही प्रेजेस देयर टाउन. नो, नॉट इंग्लैंड. तो अब जब वो फ्यू प्लेसेस की बात करता है तो वो अब और क्लैरिफाई करता है अपनी बात को, और वो बोलता है कि नहीं, आप ये मत समझना कि वो इंग्लैंड विंग्लैंड गए हैं, वो इंग्लैंड कभी नहीं गए. इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही से नो अनया. और अगर कोई भी उनसे बोलता आएगा कि क्या आप गए हो, तो वो क्या बोलते हैं, नो अन्नया. अब नाउ दिस इज़ अनदर कन्नड़ वर्ड विच इज़ यूज एज द टर्म ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स. जैसे हम दादा बोलते हैं, भाई बोलते हैं, सिमिलरली अन्नया. आई हैव लेफ्ट दैट टू यू. और अब वो बोलता है कि ये जो जजमेंट है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, कि आप होसा अली को इतना स्पेशल समझते हो और नॉट. रनिंग अराउंड Like a flea-pestered dog, it is not for me. और वह कहता है कि अगर मैं ऐसा aimless dog की तरह अगर मैं जाऊँगा, it will not, I mean, benefit me. A flea-pestered dog is
ऐसा डॉग जिसके फ्लीज हो गई हो, फ्लीज या टिक्स हो गई हो, जिसके मतलब जो खुजली वाले कीड़े होते हैं जो डॉग्स में हो जाते हैं, और जो बेसिकली इसका मीनिंग है कि वॉन्डरिंग एमलेसली, कि अगर वो एम रन वो सेंटेंस में बोलता है रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग इट्स नॉट फॉर मी, कि अगर मैं ऐसे ही गोल गोल बात घुमाता रहूँ और मैं उसकी तारीफ़ करता रहूँ तो ये इट हार्डली मैटर्स, आपका ओपिनियन क्या है, दैट इज़ वॉट मैटर्स। आई हैव सीन फ्यू प्लेसेस, सीन अ फ्यू प्लेसेस। जो है उन्होंने काफ़ी सारी जगहें देखी हैं। सो नाउ आफ्टर डिस्क्राइबिंग अबाउट द टाउन, अब वो आगे बढ़ता है एंड ही डिस्क्राइब्स द मैंगो ट्री इन हिज विलेज। लेट्स रीड दिस पैराग्राफ। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, कम विजिट अस। तो वो सारे रीडर्स से बोलता है कि आप आ सकते हो होशाली और आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ कितने सारे मैंगो ट्रीज़ हैं, एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। वो जो ट्रीज़ हैं उनसे वो बात कर, मतलब जो रीडर्स हैं उनको वो ऑफ़र भी करता है कि अगर आप आते हो यहाँ मिलने उससे या सिटी देखने, वो टाउन देखने, तो वो एक रॉ मैंगो देगा। डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट। वो कहता है कि उसको पूरा नहीं खाना है, एक छोटी सी बाइट लेना है। द सारनेस इज़ श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर भ्रमरंध्र। वो कहता है कि अगर आप इसको खाओगे ना, तो जो इतना ये सार होता है, मतलब इतना खट्टा होता है कि वो सीधा आपके भ्रमरंध्र में वो एकदम से वो स्ट्राइक करेगा, यानी कि इट्स द मीनिंग ऑफ इट इज़ रिटन डाउन द पेज, इफ़ यू कैन स्क्रोल इट, इट सेज भ्रमरंध्र इज़ द सॉफ्ट पार्ट, द सॉफ्ट पार्ट इन द चिल्ड्रंस हेड विद स्कल बोन्स जॉइन। ठीक है, तो वो सिर्फ एज इडियमेटिकली इसको यूज़ किया गया है कि आपके सीधा ये स्कल पे या आपके सीधा दिमाग पे हिट करता आएगा अगर आप इसको कच्चा एक बड़ी सी अगर बाइट आप ले लेते हो, तो इट विल स्ट्रेट अवे स्ट्राइक्स योर हेड, द सॉफ्ट पार्ट ऑफ योर हेड। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। तो वो क्या कहता है कि मैं एक बार ऐसे ही एक आम, एक मैंगो ले गया था और हमने उसका क्या बनाया था, उसकी चटनी बनाई थी उन्होंने। ऑल ऑफ अस एट इट, और सबने वो खाई भी थी। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तो अभी ये कितना डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहा है मैंगो का, अपने घर की कहानियाँ सुना रहा है वो। तो दिस इज़ हाउ ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स। या ये सारी चीज़ें वो एक 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 रिलेशनशिप बाइंड करना चाह रहा है एक अपने रीडर्स से। जैसे कि एक जब व्हेन वी टॉक टू आर फ्रेंड्स वी टॉक अबाउट एनी टॉपिक, है ना, वी आर नॉट सिलेक्टिव अबाउट टॉपिक्स विद आर फ्रेंड्स। हम कुछ भी बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं, वी डोंट थिंक अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो वो भी ऐसा कर रहा है, ही इज़ गोइंग इन टू अटर डिटेल्स कि उसकी फैमिली ने उसको चटनी बनाई, फिर सबको खांसी हो गई, एंड देन दे वेंट टू द डॉक्टर, एंड देन द डॉक्टर टोल्ड देम अबाउट द स्पेशल क्वालिटी। वो स्पेशल क्वालिटी थी द सैडनेस। वो सैडनेस इतनी ज़्यादा थी कि अकॉर्डिंग टू हिम इट गोज़ स्ट्रेट टू द भ्रमरंध्र, ठीक है, और वो गला ख़राब कर देती थी, मतलब कि एकदम से उसकी जब जब आप उसकी बाइट लोगे तो एकदम से इट विल स्ट्राइक योर द सॉफ्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, और फिर उसको खाने से उसको खांसी और कफ भी हो गया था। ओके, जस्ट एज द मैंगो इज और भी चीज़ें हैं उसके विलेज में जो कि बहुत स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। वो बताता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके जो होशाली टाउन है उसका सिर्फ मैंगो ही अच्छा आएगा, वहाँ पे और भी चीज़ें हैं। और क्या चीज़ बताता है वो कि वहाँ पे एक क्रीपर है, ठीक है, क्रीपर एक बेल बेल होती है कि मतलब इट्स अ काइंड ऑफ प्लांट, ठीक है, और वो कहाँ पे लगा हुआ है, विलेज के पॉन्ड में। इट्स फ्लावर आर द फीस्ट टू बिहोल्ड, फीस टू बिहोल्ड मतलब उसको देखना ही बहुत अच्छा है, यानी कि इट ब्लूम्स द ब्यूटिफुल फ्लावर्स। तो बताता है कि उसमें बड़े अच्छे फ्लावर्स लगते हैं। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ। तो वो बोलता है कि जब भी आप लीव्स फ्रॉम इस वेर से, और वो बताता है कि जब भी आप
जाओ उस पॉन्ड में नहाने के लिए, तो आप दो लीव्स उसकी, उस जो क्रीपर था उसकी, आप ज़रूर लेके जाओ. एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील. और उससे क्या होगा कि आप जब दोपहर में खाना खाने बैठोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपके पास दो ऑलरेडी लीव होंगी, विच शोज़ कि उसकी जो क्रीपर की जो लीव्स हैं, एक प्लांट होता है उसकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं. एंड यू ऑल मस्ट हैव सीन इन द मूवीज़ और समवेयर लाइक दैट कि जो जो साउथ इंडियन लोग हैं दे प्रेफर द लीव्स एज द प्लेट्स. जैसे हम प्लेट्स यूज़ करते हैं, उनका जो एक ट्रेडिशनल और कस्टमरी जो वो खाना खाते हैं या नॉर्मल डेज में भी जो खाना खाते हैं, दे प्रेफर ईटिंग इट ऑन द लीव्स. तो वो यही कहता है कि अगर आप ले जाते हो तो आपको दोपहर के खाने के लिए लीव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू विल से आई एम रैम्बलिंग, तो उसको वो कहता है कि अब आप ये समझ रहे. विलेज, लेकिन वो अब वो भी यही चीज़ें बोल रहा है कि आपको लग रहा हो कि मैं बड़बड़ा रहा हूँ, बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ. रैम्बलिंग इज कन्फ्यूज स्पीच, के कुछ भी बोलने लग जाना, लेंदी लेंदी कुछ भी बोलना. इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट वेन द सब्जेक्ट ऑफ अ विलेज कम्स अप. तो अब वो बताता भी है कि वो क्यों रैम्बल कर रहा है. वो क्यों रैम्बल कर रहा है क्योंकि जब भी उसके विलेज के बारे में कोई भी बात करता था तो वो क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था और एक्साइटमेंट में वो तारीफ़ें करने लग जाता है. एंड दैट इज़ वॉट ही इज़ डूइंग राइट नाउ ऑल्सो, कि वो भर भर के तारीफ़ें कर रहा है अपने विलेज के बारे में. बट इनफ, इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन. तो वो कहते हैं कि अगर कोई भी आप में से, जो भी उसके रीडर्स हैं, अगर वो कोई भी उसके टाउन को घूमना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक लाइन ड्रॉप, यानी कि लाइन ड्रॉप करने उसको मैसेज कर दें. आई विल लेट यू नो वेयर होशा अली इज़ एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हेयर. तो अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो आप उनको एक लेटर लिख दो, या कोई लाइन लाइन ड्रॉप करने का मतलब उन्हें आप टच में आ जाओ, एक मैसेज भेज दो. एंड देन ही विल टेल यू वॉट होशा अली इज़ ऑल अबाउट, वॉट आर द थिंग्स यू विल सी हेयर, वॉट आर द थिंग्स आर वर्थ वॉचिंग इन होशा अली एंड ऑल सॉर्ट. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू अग्री? एंड दिस इज़ द मोस्ट एप्ट लाइन कि अगर आप किसी भी जगह को जानना चाहते हो, द बेस्ट वे इज़ टू बी इन दैट प्लेस. तो आप अगर आप उस जगह पे जाते हो, दैट इज़ द मोस्ट, आई मीन दिस, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट एनी प्लेस. ओके,